झारखंड की राजधानी रांची में वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला मामले की सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही कहा कि आरोपी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को हमलावर की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद संजय सेठ ने भी घटना की निंदा करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि शनिवार की देर रात रांची के सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती में वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल को पुलिस ने रिम्स में रविवार की सुबह 3 बजे भर्ती किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के गैर जिम्मेदाराना और एक पक्षी बयान के विरोध में राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक 14 सितंबर को राज्यव्यापी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करने का निर्णय लिया है। गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान अनियंत्रित स्कॉर्पियो भीड़ में घुस गई। विसर्जन में शामिल लगभग एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में रामगढ़ थाने के एएसआई उपेंद्र सिंह भी घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के झंडा चौक की है। घटना के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो फरार हो गया। धनबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और संग्रहालय के लिए 23 करोड़ जमीन सरकार को मिलेगा। इसकी घोषणा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पौत्र वधु स्वर्गीय राज किशोर महतो की पुत्रवधु विनीता सिंह ने की है। इसकी जानकारी उन्होंने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजने जा रही है। 23 एकड़ जमीन में स्टेडियम के लिए 11 एकड़, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 8 एकड़ और स्वर्ग विनोद बिहारी महतो के संग्रहालय के लिए 4 एकड़ जमीन दान करेंगी। अवैध उत्खनन के दौरान चाल धसने से 2 गंभीर रूप से जख्मी, जिस वजह से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। मामला निरसा के मुगमा स्थित बंद पड़ी ओम बोस्को कंपनी के समीप अवैध खनन स्थल का है। अगम कुआ थाना इलाके में धनकी मोड़ के पास किराना दुकान से रवि मंडल ने सामान खरीद कर पैसे नहीं दिए। दुकानदार प्रमोद कुमार द्वारा पैसे मांगने पर दुकानदार और दुकानदार की पत्नी की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद दुकानदार ने अगम कुआ थाने में आरोपी के खिलाफ शनिवार को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सोमवार की अगले सुबह दुकानदार मार्केट से दूध लेकर साइकिल से लौट रहे थे। रवि मंडल कई लोगों के साथ मिलकर दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दुकानदार पूरी तरह घायल हो गया। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा के बीच बिहार के कई शहरों में बच्चों में फैले वायरल बुखार एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। इस बीच इसे लेकर राज्य सरकार कई स्तर पर तैयारी का दावा कर रहे हैं, मगर कटिहार सदर अस्पताल के लिए इन दिनों नई परेशानी की वजह यह है कि सदर अस्पताल पूरी तरह रीमॉडलिंग के दौरे में है और इसे लेकर एक के बाद एक सभी बिल्डिंग को तोड़कर पूरी तरह कायाकल्प किया जा रहा है। मगर राहत भरी खबर यह है कि बच्चों को लेकर जो SNCU की जो व्यवस्था कटिहार सदर अस्पताल में है वह पूरी तरह 24 घंटा काम कर रहा है। बेगूसराय के महमदपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय का ताला तोड़कर 5 लाख नगद समेत लैपटॉप और CCTV कैमरे के हार्ड डिस्क की चोरी कर ली। रविवार की रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नगर थाने की पुलिस लगातार रात्रि गश्ती का दावा करती है और इसी बीच अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुट गई है और जल्द ही उद्भेदन का दावा कर रही है। बेगूसराय के सदर DSP राजन सिन्हा समेत 3 DSP का तबादला होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में DM अरविंद कुमार वर्मा, SP अवकाश कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। 2.5 साल से ज्यादा कार्यालय पूरा करने के बाद DSP राजन सिन्हा का पटना मुख्यालय में तबादला किया गया है। DM और SP ने संयुक्त रूप से DSP को सम्मानित किया।
नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र से रविवार की अगले सुबह एक डीजे संचालक का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने अपहरित के परिजनों से 3 लाख की फिरौती की मांग की थी। परिजनों ने बताया कि रविवार के अगले सुबह 6 बजे चाय पीने के लिए घर से निकला था। स्कॉर्पियो में सवार 4 लोगों ने दुकान से अपहरण कर लिया। अपहरित नसीम ने अपने बहनोई के मोबाइल पर फोन कर बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है और एवज में 3 लाख रुपए मांग रहा है। घटना के लगभग 10 घंटे बाद युवक को जख्मी हालत में पुलिस ने सड़क किनारे से बरामद कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार में आशीर्वाद यात्रा को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीमांचल के दौरे पर हैं। इसी दौरान कटिहार में दौरे के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कई बिंदुओं पर खुलकर पार्टी के विचार रखे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर तैयार कर चुका है। प्रयास किया जा रहा है कि एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर बात नहीं बना तो जेडीयू अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे।